So, good afternoon, all of you. So, if I am audible properly, please comment yes. Or if there is any kind of issue, you all can let me know through the chat box. While I am teaching, any kind of doubts, you all can just post it in the chat box. Now, the topic for today, which I have thought of, is portfolio construction. We will be dealing with portfolio construction. So basically, there is a particular type of question which is asked in the examination, like derive the forward price, derive the forward price, and they give you a particular case in which they will tell you few points like we are receiving continuously dividends, or there is some kind of cost associated when we buy the share and all. Let me just discuss few points before I start. तो जैसे फॉरवर्ड वर्सेस स्पॉट बाय, एक माहौल क्रिएट कर रहा हूँ पहले पढ़ाने से पहले. मैं फॉरवर्ड कोई भी चीज़ बाय करूँ या फिर मैं स्पॉट कोई भी चीज़ बाय करूँ, तो उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है. जैसे देखिए, जब हम लोग कोई भी शेयर बाय करते हैं ना, तो उसमें हम लोग को डिविडेंड्स मिलते हैं. मान लेते हैं कि एक साल का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो कभी भी अगर हम लोग शेयर बाय करेंगे तो उसमें हम लोग को डिविडेंड्स मिलेगा. लेकिन फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, एक साल के बाद जब मैं बोलता हूँ एफ प्लस, तो एफ प्लस का मतलब क्या होता है, एक साल बाद मैं शेयर खरीदूंगा. जब मैं बोलता हूँ एफ माइनस, तो मतलब क्या, एक साल बाद बेचूंगा. तो एफ प्लस मतलब क्या, एक साल बाद खरीदूंगा, तो अभी भी शेयर का ओनरशिप उसी के पास में, मेरे को मिला नहीं है. तो शेयर से रिलेटेड जो भी डिविडेंड्स है या फिर बोनस वगैरह कुछ भी है, स्टॉक स्प्लिट कुछ भी, वो सब सब उसको मिलेगा, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, सो फॉरवर्ड में डिविडेंड्स नहीं मिलते, लेकिन शेयर में डिविडेंड मिलता है. फॉरवर्ड आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि 6 महीने बाद मैं तुमसे ये शेयर इतने दाम में खरीदूंगा, यही तो होता है फॉरवर्ड. 6 महीने बाद मैं तुमसे इतने दाम में डॉलर खरीदूंगा या फिर बेचूंगा. तो फॉरवर्ड का मतलब आज क्या, कुछ नहीं बाय कुछ नहीं सेल, जो भी कुछ आदान प्रदान होगा, मतलब अगर मेरे को पैसा देना है, मेरे को शेयर लेना है, फिर मेरे को पैसा मिलना है, शेयर देना है, तो जो भी कुछ होगा सब एक साल बाद या फिर एंड ऑफ द पीरियड में होगा ना, अभी तो कुछ नहीं हुआ. तो फॉरवर्ड बाय या फिर फॉरवर्ड सेल का मतलब अभी के लिए कुछ नहीं बाय एंड कुछ नहीं सेल. ठीक है, ओके. सो अब जैसे मान लीजिए, आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स सपोज गोल्ड. ठीक है, गोल्ड का बात कर लेते एक बार. तो गोल्ड ऑब्वियस सी बात, आप इधर उधर तो रखोगे नहीं. आपने बैंक में एक लॉकर ले रखा है जिसका साल का 5,000 रुपये लगता है. ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ मैं एक साल बाद गोल्ड खरीदूंगा, तो अभी तो खरीदा नहीं है, तो ये जो खर्चा, ये क्या मेरा लगेगा, नहीं लगेगा. तो द कॉस्ट एसोसिएटेड व्हेन वी बाय समथिंग स्पॉट इज नॉट देयर इन फॉरवर्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज ले लीजिए, मैं तुमसे एक साल बाद ये कंपनी के बॉन्ड्स खरीदूंगा, तो एक साल बाद खरीदूंगा ना, तो एक साल तक का जो इंटरेस्ट है उस बॉन्ड पे, वो तो सामने वाले को ही मिलेगा, मेरे को तो मिलेगा नहीं. तो देर इज अ लाइक फॉरवर्ड वर्सेस स्पॉट बाय. कुछ कुछ चीज ऐसा होता है जो फॉरवर्ड में अच्छा होता है, एंड कुछ कुछ चीज ऐसा होता है जो फॉरवर्ड में खराब होता है. फॉर एग्जाम्पल, आज मैं मान लेता हूं 1 किलो गोल्ड, 1 किलो गोल्ड मेरे को खरीदना है, और उसके लिए मान लेते हैं कितना लगेगा. अभी गोल्ड का दाम चल रहा है 50,000 के आसपास, दिस इज फॉर 10 ग्राम्स, एंड इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मोटा मोटी कितना आ रहा है, 50 लाख आ रहा है. तो 50 लाख पैसा भी तो चाहिए होगा ना, अगर आज मैं गोल्ड को स्पॉट बाय कर लेता हूँ तो 50 लाख पैसा भी चाहिए होगा. वही अगर मैं फॉरवर्ड बाय करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, पैसा जो मैंने लगाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से 50 लाख बोरो करके गोल्ड खरीद लिया, तो एक साल का ब्याज लगेगा. अगर वही मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं, तो वो एक साल का ब्याज मेरा नहीं लगेगा. ठीक है, बिकॉज फॉरवर्ड में एंटर क्या मतलब क्या, कुछ नहीं बाय कुछ नहीं सेल, जो भी कुछ होगा एक साल बाद. कन्वीनियंस,
कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, मेरे पास था सामान, मैंने तुमको बेच दिया, मैंने उस मौके का फायदा उठा लिया। वो किस स्पॉट में हो सकता है, फॉरवर्ड में नहीं हो सकता है, क्योंकि फॉरवर्ड में तो अभी सामान मेरे हाथ में आया ही नहीं, आएगा। उसको रखने का जगह, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट आयरन 100 टन आयरन, आई एम टॉकिंग अबाउट 100 टन ऑफ आयरन। इसको रखने के लिए स्टोरेज चाहिए होगा, गोडाउन चाहिए होगा, उसका खर्चा स्पॉट में लगेगा, फॉरवर्ड में नहीं लगेगा। मान लेते 6 महीना बाद मेरे को बेचना आयरन, मैंने 6 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया कि 6 महीना बाद मैं तुमसे खरीद के तुमको दे दूंगा, तो इसमें क्या होगा, मेरा स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगेगा। ये सारी बातें सबको समझ में आई, येस और नो, तभी आगे बढ़ेंगे। ये सब सबको समझ में आए, येस और नो? कमेंट बॉक्स का यूज करो प्लीज। F प्लस का मतलब क्या है, मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने फॉरवर्ड में बाय करूंगा, ठीक है। तो F प्लस एक बार सोचते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं तुमसे 6 महीने बाद ITC का जो शेयर है वो 200 में खरीदूंगा, ठीक है, और आज क्या चल रहा है, टाइम जीरो, तो मेरा F0 क्या हो जाएगा, F0 मेरा हो जाएगा 200। समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट आज एंटर किया लेकिन आदान प्रदान कब होगा, 6 महीना बाद होगा, ठीक है। तो F0 मेरा क्या हो जाएगा, 200। अब 6 महीने का जो स्पॉट प्राइस है, मान लेते हैं आज का जो स्पॉट प्राइस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, S0। तो S0 मान लेते हैं चल रहे 190, तो 6 महीने बाद का टाइम को क्या बोलेंगे, S6 months, मतलब 6 months के बाद का जो शेयर प्राइस होगा, तो वो अगर 210 होता है तो मतलब जीता कौन, मैं जीता ना। जो चीज मार्केट में 210 में मिल रहा है वो हम तुमसे कितना में खरीदेंगे, 200 में, मतलब नेट नेट कितने का फायदा हुआ, S6 months minus F0। ये नोटेशन से कंफर्टेबल करने के लिए ये वाला एग्जांपल लिया, S6 months minus F0। समझ में आ रहा है? आज का फॉरवर्ड हो सकता है, एक बात बताता हूं, 3 महीने का बात करते हैं, 3 महीने का बात करते हैं, तो 3 महीने के बाद में मैंने देखा कि जो शेयर प्राइस है वो आज 190 था टाइम जीरो पे, वो 3 महीने में 220 हो गया। तो क्या फॉरवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल समझना, अब जैसे समझो कि जैसे जैसे शेयर का दाम बढ़ेगा घटेगा तो उसी के हिसाब का फॉरवर्ड का भी दाम निकल सकता है। जैसे आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो इसको क्या बोलेंगे, F0। अगर मैं टाइम 3 months में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा फॉर 3 months तो उसको क्या बोलेंगे, F3 months। चीज समझना? और ये जो F3 months है ये कैसे निकलेगा पता है, 220 के हिसाब से निकलेगा, 220 के हिसाब से निकलेगा। समझ में आ रहा है? हर एक टाइम का एक फॉरवर्ड हो सकता है, ये चीज सबको समझ में आ रहा है कि जैसे ये 0 है, ये 1 year है, ये 2 years है और ये 4 years है। मान लो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी कराए होंगे आपको मेरे फर्स्ट इनिशियल क्लासेस में। अब जैसे मैं बोल रहा हूं F0 फॉर 4 years, फिर से F1 भी तो निकल सकता है ना, जो उस टाइम का शेयर प्राइस होगा, जो S1 होगा उसके हिसाब का एक F1 निकल सकता है, मान लो 3 साल का। तो अकॉर्डिंगली मेरे को पता चल सकता है ना कि मेरा जो मैंने सामान खरीदा है, मैंने F0 खरीदा है, उसका दाम बढ़ रहा है ना उसका दाम घट रहा है, तो ये भी हो सकता है। फिर मान लो टाइम 2 के हिसाब का भी निकल सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, F2। मान लेते हैं कि ये 2 साल का है, तो जितना भी सारा कॉन्ट्रैक्ट है वो मैच्योर कब होगा, टाइम 4 पे ही होगा ना, ठीक है। F0 का मतलब क्या है, टेन्योर इज 4 years। F0 मतलब क्या है, S0 को देखते हुए निकलेगा, आज का जो स्पॉट है, मतलब मैं टाइम 0 पे खड़ा हूं तो आज के स्पॉट के हिसाब से क्या निकलेगा, F0। आज के स्पॉट के हिसाब से क्या निकलेगा, F0। तो टेन्योर कितना हुआ, 4 years का, मतलब इसका मैच्योरिटी होगा 4 साल बाद, इसका मैच्योरिटी होगा मान लेते 3 साल बाद। तो अगर मेरे को टाइम 1 पे वैल्यू निकालना है, टाइम 1 पे वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे पता है, F1 minus F0। ये दोनों ही जो प्राइस है ये किस टाइम पीरियड का है, टाइम 4 का है, तो इसको 3 साल टानना पड़ेगा, मतलब e to the power minus
डेल्टा इंटू थ्री। मान लेते डेल्टा इज द कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड तीन साल पुल बैक करेंगे तब आज का मेरे को वैल्यू पता चलेगा। वैल्यू मतलब क्या कि आज अगर मैं स्क्वायर ऑफ कर दूं तो मेरे को कितने का घाटा और कितने का फायदा हो रहा है। आज अगर मैं स्क्वायर ऑफ कर दूं तो मेरे को कितने का फायदा और कितने का घाटा हो रहा है। यहां तक सबको समझ में आया तभी हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में बढ़ पाएंगे, वरना हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। यहां तक सबको समझ में आया कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं? वैल्यू निकालना, प्राइस। प्राइस क्या होता है पता है? F0, F1, F2 ये सब प्राइस होता है। वैल्यू मतलब अगर आज स्क्वायर ऑफ कर दे तो क्या होगा। मान लेते हैं मैंने F2 निकाला, S2 को देखते हुए मैंने F2 निकाला तो दो साल का बनेगा। अगर मेरे को टाइम टू पे वैल्यू निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? F2 - F0 e-2 डेल्टा। F2 और F0 दोनों ही टाइम 4 का प्राइस है ना। जैसे मान लो F0 है 3000, F0 है 3000। प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट करिए, खाली क्लास देखने से नहीं चलेगा, मेरे को भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो F0 मान लेते 3000 है एंड F2 क्या है मान लेते 3100 है। तो जो चीज मैंने 3000 में खरीदा दो साल बाद उसका दाम कितना हो गया? 3100। और ये जो 100 रुपए का जो प्रॉफिट है ये मेरे को कब रियलाइज होगा? टाइम टू पे ना टाइम फोर पे? टाइम फोर पे रियलाइज होगा ना, बिकॉज दिस वॉज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 4 ईयर्स एंड दिस वॉज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 ईयर्स। तो 100 जो मेरे को टाइम फोर पे रियलाइज होगा उसको दो साल टानेंगे तभी तो टाइम टू का वैल्यू पता लगेगा ना। यहां तक आई गेस आप लोग सबने देख रखा होगा। दीज टॉपिक्स वेर कवर्ड इन द फर्स्ट 3 लेक्चर्स ऑफ माई CM2 सिलेबस। ओके नाउ नाउ सब लोग कंपाइलर निकाल लो, सब लोग कंपाइलर निकाल लो। मैं एक दो तो आप लोगों को पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में सम्स कराना चाहता हूं बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके सो दिस इज बुकलेट 5 डेरिवेटिव्स एंड बाइनोमियल थ्योरम। डेरिवेटिव्स एंड बाइनोमियल थ्योरम इसका पहला हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर एट। दिस इज द क्वेश्चन, सितंबर 2008 का क्वेश्चन है। कंसिडर एन एसेट एस पेइंग अ डिविडेंड एट अ कॉन्स्टेंट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डेल्टा। मतलब डिविडेंड्स कंटिन्यूअसली मिलेंगे एंड डिविडेंड्स कंटिन्यूअसली री इन्वेस्ट हो जाएंगे किसमें? शेयर्स खरीदने में। किसमें? शेयर्स खरीदने में। ये मेरा एजम्पशन था जब मैंने आपको कराया होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि डिविडेंड्स आर रिसीव्ड कंटिन्यूअसली एंड दे आर री इन्वेस्टेड कंटिन्यूअसली इन परचेजिंग द शेयर्स। सो व्हाट इज द ग्रोथ रेट? मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, सब लोग आंसर देंगे। व्हाट इज द ग्रोथ रेट इन नंबर ऑफ शेयर्स? मतलब नंबर ऑफ शेयर्स किस रेट से ग्रो करेंगे बताना कमेंट बॉक्स में। नंबर ऑफ शेयर्स किस रेट से ग्रो करेंगे बताना। मैं वेट कर रहा हूं। डेल्टा इज द रेट इज डेल्टा, डेल्टा इज द रेट। बोलो तो क्यों? बिकॉज आज मैंने एक शेयर खरीदा, एक माने कंटिन्यूअसली डिविडेंड्स मिलेंगे एंड वो री इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो एक साल के बाद में कितना होगा? e-to-the-power delta नंबर ऑफ शेयर्स। एक साल के बाद में क्या हो जाएगा? e-to-the-power delta शेयर्स। दो साल के बाद में e-to-the-power 2 delta शेयर्स। विथ मेच्योरिटी टी रिटर्न ऑन एस एंड अ कॉन्स्टेंट इंस्टेंटेनियस रिस्क फ्री रेट ऑफ आर। ओके डिराइव द प्राइस एट टाइम टी ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग द नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल। ठीक है एक मिनट। ओके सो हम लोग को बोल दिया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, डिविडेंड्स वाला जो है वो क्या है? डेल्टा है। डिविडेंड्स वाला जो है वो क्या है? डेल्टा है। ओके एंड फोर्स ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोग को दे दिया है विच इज आर। फोर्स ऑफ इंटरेस्ट में हम लोग को दे दिया। और किस टाइम पे निकालने बोला है? किस टाइम पे निकालने बोला है वो भी बहुत जरूरी, बिकॉज कभी कभी बोलता है टाइम स्मॉल टी पे निकालने। ये देखो एट टाइम स्मॉल टी बोल दिया है,
तो स्मॉल टी पे निकालेंगे, और कभी कभी जीरो पे निकालने बोलता है, तो दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। तो एट टाइम स्मॉल टी बोल दिया है, तो मैं यहाँ पर एक टाइमलाइन भी बना देता हूँ, और हम लोग को एस दे दिया है, तो ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी है। तो कितना ड्यूरेशन का है ये, टी माइनस टी। व्हाट इज द ड्यूरेशन, व्हाट इज द ड्यूरेशन, टी माइनस टी। अब हम लोग को क्या बोला है, डेराइव द प्राइस एट टाइम स्मॉल टी ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ओके तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं दो पोर्टफोलियो, देखो नो आर्बिट्राज या फिर लॉ ऑफ वन प्राइस का मतलब क्या होता है, अगर मैं दो ऐसा पोर्टफोलियो बना लूं, जैसे मैं यहां पर वही बनाने का ट्राई करूंगा, एक होगा ए और एक होगा बी, अगर मैं दो ऐसा पोर्टफोलियो बना लूं जिसका मैच्योरिटी पे पे ऑफ सेम होगा, मैं दो ऐसा पोर्टफोलियो बना लूं जिसका मैच्योरिटी पे ऑफ सेम होगा, तो उसका आज प्राइस भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं दो ऐसा पोर्टफोलियो बना लूं जिसका मैच्योरिटी में पे ऑफ सेम होगा, तो उसका आज प्राइस और हर एक टाइम पे उसका प्राइस सेम होना चाहिए, वरना लोग क्या करेंगे, सस्ते वाले को खरीदेंगे और महंगे वाले को बेच देंगे, सस्ते वाले को खरीद के महंगे वाले को बेच देंगे, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुफ्त का प्रॉफिट, होशियार या फिर आर्बिट्राज, ठीक है। ओके तो सबसे पहले मैंने ए में क्या बोला, मैंने ए में क्या बोला, बाय वन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बाय वन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने यहां पर क्या किया है, एफ प्लस, बाय का मतलब क्या होता है, एफ प्लस, बाय का मतलब क्या होता है, एफ प्लस, ठीक है। तो मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया है, जिसका टेन्योर क्या है, जिसका टेन्योर क्या है, टी माइनस टी। मैंने आज एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो आज का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का दाम क्या होगा, एफ टी, एंड मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया मतलब बाय किया है, तो मेच्योरिटी पे क्या होगा, देखो मैंने इसलिए आप लोगों को पहले ही करा दिया, ये रहा, ये देखो ये रहा, ऐसा ही कुछ आएगा। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मेच्योरिटी में पे ऑफ कितना होगा बताना, मेच्योरिटी में पे ऑफ क्या होगा बताएगा कोई, कोई बता सकता है मेच्योरिटी में पे ऑफ क्या होगा, वेरी सिंपल सर, एस टी माइनस एफ टी, वेरी सिंपल, एस टी माइनस एफ टी। ये सबको समझ में आया, देख लो मैं कहां पर कैपिटल टी लिख रहा हूं, कहां पर स्मॉल टी लिख रहा हूं, इसका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। एफ स्मॉल टी क्यों लिखा, बिकॉज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कब एंटर की, इस टाइम स्मॉल टी में, अगर टाइम जीरो में एंटर करते तो क्या लिखता, एफ जीरो। एंड एस कैपिटल टी का मतलब क्या है, शेयर प्राइस एट दी मेच्योरिटी, तो जो भी शेयर प्राइस का मेच्योरिटी होगा माइनस जो भी मेरा फॉरवर्ड प्राइस जो फिक्स हुआ, जैसे मान लो बोला 200 में खरीदेंगे, एंड उस समय का मेच्योरिटी प्राइस होता है 225, तो क्या होगा, 25 रुपए का फायदा होगा, बिकॉज मैंने बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, बी एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है, मेरे को बी एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जिसका पे ऑफ उसी की तरह हो, लेकिन मैं इसको बनाऊंगा शेयर से। अब एक बात समझना, मैं पूछ रहा हूं, मेरे को यहां पर एक शेयर चाहिए, मेरे को यहां पर एक शेयर चाहिए, तो बताना यहां पर कितने शेयर्स खरीदूं, आराम से सोच के बता दो। मैं बोल रहा हूं मेरे को टाइम कैपिटल टी पे एक शेयर चाहिए, तो टाइम स्मॉल टी में कितने शेयर्स खरीदूं, टाइम स्मॉल टी में कितने शेयर्स खरीदूं, द आंसर इज ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी माइनस टी शेयर्स, ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी माइनस टी शेयर्स। बोलो तो क्यों, बोलो तो क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स का ग्रोथ रेट क्या है, डेल्टा, एंड अभी ये टुडे है, ये टुडे है, ये टुडे है, तो बताना मैच्योरिटी पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी माइनस टी, एंड नंबर ऑफ शेयर्स विल ग्रो, तो प्लस डेल्टा टी माइनस टी, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, वन। तो एक शेयर मेरे पास में रहेगा मैच्योरिटी में, देखो चीज समझना, यहां पर क्या है, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, फिर बोलोगे समझ में नहीं आया, यहां पर क्या है, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये है एस टी, ये क्या है, ये है एस टी। तो मेरे को पोर्टफोलियो बी में भी तो एस टी चाहिए ना, इसीलिए मैंने क्या किया, ऐसा अरेंजमेंट किया, मैंने ऐसा अरेंजमेंट किया ताकि वहां पर भी मेरे पास कितना शेयर हो जाए, एक शेयर, जिसका दाम क्या होगा, एस कैपिटल टी, इसका दाम क्या होगा, एस कैपिटल टी, ठीक है। तो बाय ई टू दी, अब पता है बहुत बच्चे लोग ना दिल पे ले लेता है, ये जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है दिल पे, बोलता है सर इतना सारा शेयर्स बाय किए हैं तो पैसा कहाँ से, तुमको थोड़ी देना है पैसा, तुम्हारे पास में एक जादू का छड़ी है, तुमने एक ऐसा पोर्टफोलियो बना लिया
जिसमें ये है एंड कुछ लोन है। अब ये मत सोचो कि वो लोन का जो पैसा आया उसको हम क्या किए, कहाँ किए, बैलेंस कुछ नहीं सोचना है तुम लोग को। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला ए में मैंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को रख दिया, मतलब रख दिया। समझ नहीं रहे तुम लोग बात को? बहुत बच्चा लोग हमसे ये क्वेश्चन करता है कि सर मैंने यहाँ पर इतना शेयर्स बाय किया तो इसका तो रुपया लगा होगा। वो कितना रुपया लगा, कहाँ से आया, उसके लिए तुमको कोई वरी नहीं करना है। तुमको बस खाली दो पोर्टफोलियोस कंस्ट्रक्ट करने बोला है। पैसा तुमको थोड़ी देने बोला है कि तुम इसका रुपया उठा के दो उसका रुपया। तुमको बस खाली बोला पोर्टफोलियोस को कंस्ट्रक्ट करो। तो पहला ये हो गया। दूसरा देखना, अब मेरे को क्या चाहिए, एफटी चाहिए। एफटी एफ स्मॉल टी कब चाहिए, मैच्योरिटी पे चाहिए। तो आज मैं क्या करूंगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू रखूंगा। एंड सिंस माइनस है तो बताना कैश रखेंगे कि लोन लेंगे, बताना कमेंट बॉक्स में। माइनस चाहिए तो कैश रखेंगे कि लोन लेंगे, बताना। प्लीज एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। लोन लेंगे, लोन लेंगे, लोन कितने का लेंगे, लोन कितने का लेंगे, लोन लेंगे एफ टी ई टू द पावर माइनस। इंटरेस्ट रेट कितना था, इंटरेस्ट रेट था स्मॉल आर, एफ टी ई टू द पावर माइनस आर टी माइनस टी, एफ टी ई टू द पावर माइनस आर टी माइनस टी। क्यों बोले तो, बिकॉज अभी इतने का लोन है, इसमें फिर ब्याज चढ़ेगा, कितना ब्याज चढ़ जाएगा, ई टू द पावर आर टी माइनस टी। तो अल्टीमेटली मेरा मेच्योरिटी में कितने का लोन खड़ा रहेगा, एफ टी का। तो अब देखते हैं पोर्टफोलियो बी का मेच्योरिटी पे वैल्यू कितना होता है। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बी टूडे, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बी टुडे क्या हो जाएगा, एस टी एस टी ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी माइनस टी माइनस माइनस एफ टी ई टू द पावर माइनस आर टी माइनस टी। ये सबको समझ में आया, बोलो हाँ। ये सबको समझ में आया तो बोलो हाँ। ठीक है, ये हो गया टुडे। अब मैच्योरिटी पे क्या होगा बताना, मैच्योरिटी पे क्या होगा बताना। मैच्योरिटी पे वो हो जाएगा एस टी, क्योंकि ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी माइनस टी मिला के तो वन शेयर बनेगा, बिकॉज डिविडेंड्स विल बी कंटिन्यूअसली री इन्वेस्टेड इन टू परचेजिंग न्यूअर शेयर्स। ओके, माइनस हो जाएगा एफ टी। क्यों बोलो तो, बिकॉज इसमें भी तो इंटरेस्ट चढ़ेगा ना, लोन ले रखे हैं तो और ब्याज पे ब्याज चढ़ के टोटली कितना हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। तो देखो दोनों का मैच्योरिटी वैल्यू सेम है, ए का और बी का मैच्योरिटी वैल्यू सेम। अच्छा, ए का वैल्यू टुडे, वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज ऑलवेज जीरो टू स्टार्ट विथ। वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज जीरो टू स्टार्ट विथ। वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज जीरो टू स्टार्ट विथ का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू आज क्या होगा, जीरो। ना कुछ आज लिए हैं, ना कुछ आज दिए हैं। ठीक है, अगर आज के दिन पे ही मैं स्क्वायर ऑफ, वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ऑफ करना। वैल्यू का क्या मतलब होता है, स्क्वायर ऑफ। अगर आज के दिन में मैं ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो आज ही एंटर किया हूँ स्क्वायर ऑफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ना कुछ लिया ना कुछ दिया, ना कुछ लिया ना कुछ दिया, अज्यूमिंग की तरह नो टैक्सेस नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एनीथिंग। ओके, सो इसका वैल्यू, ए का वैल्यू आज क्या होगा, जीरो। तो अगर दोनों का मैच्योरिटी वैल्यू सेम है तो दोनों का प्रेजेंट वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे देखना, जीरो इज इक्वल टू एस टी ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी माइनस टी माइनस एफ टी ई टू द पावर माइनस आर टी माइनस टी। और यहां से आंसर निकालना, यहां से आंसर निकालना कितना आ रहा है, यहां से आंसर निकालना कितना आ रहा है,
यहां से इसका, हाँ, ये कहां पर किसको किसको इक्वेट किया? वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ए एट टाइम स्मॉल टी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बी एट टाइम स्मॉल टी ना जी, समझो। आज का शेयर का दाम कितना है? एस स्मॉल टी, और मैच्योरिटी भी कितना हो जाएगा? एस कैपिटल टी। तो अगर इन दोनों को मैं रीअरेंज करूं और मेरे को निकालना है एफ टी का वैल्यू, तो बताओ कितना आएगा? और अगर मेरे को निकालना है एफ टी का वैल्यू तो कितना आएगा बताना? उसको उधर लेके जाएंगे, और जब वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ई टू द पावर आर माइनस डेल्टा टी माइनस टी। आराम से इसको सॉल्व करके देख लो। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर सबको समझ में आया है ये, तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, वरना आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, वरना आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं आगे बढ़ने का। प्लीज सब लोग, जो लोग भी क्लास कर रहे हैं, दे कैन जस्ट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। माने ये सब जो मैं मार्क्स जो सम्स करा रहा हूं ना, मतलब ये सब क्या है कि बहुत ही इजी है, एंड जो एंड तक भी कॉन्सेप्ट हल्का क्लियर नहीं होता है, तो अब की बार उसी को पहले पकड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज अप्रैल 2009 का क्वेश्चन, देखना। कंसिडर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन गोल्ड। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे गोल्ड का बात हो रहा है। सपोज दैट देर इज अ फिक्स स्टोरेज कॉस्ट ऑफ सी पर आउंस पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। अरे भाई, मैं ये सब नहीं समझता हूं, मेरे को सिर्फ यही समझ में आ रहा है स्पॉट में लगेगा, फॉरवर्ड में नहीं लगेगा। समझ में आया? तो जिस पोर्टफोलियो, अब आप देखो, अभी इसी को मैं अभी डिस्कस कर ले रहा हूं, ताकि उस समय जब मैं करूं तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। जिस, समझना, फॉरवर्ड में नहीं लगेगा, स्पॉट में लगेगा। मतलब स्पॉट में कुछ ऐसा चीज है जो माइनस होगा, जो फॉरवर्ड में माइनस नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिग्निफिकेंस तो इसका यही है ना, वैल्यूएशन जब मैं कर रहा हूं तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? स्पॉट में कोई ऐसा चीज माइनस होगा, ये जो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है, जो कि फॉरवर्ड में माइनस नहीं होगा। तो दोनों को तो मेरे को बराबर करना है। तो जब मैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करूंगा तो कुछ ऐसा करूंगा कि सिंस स्पॉट से माइनस हो रहा है, माने जिसमें गोल्ड है स्पॉट, जिससे माइनस हो रहा है, या तो उसमें कुछ प्लस करूं, या फिर मैं फॉरवर्ड वाले में भी कुछ माइनस करूं, ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल यहीं पर आपको समझाता हूं, ये वाला एग्जाम्पल देख के आप लोगों को शायद समझ में आ जाए। अब जैसे यहां पर है, ये देखो, ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, बाय वन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये है। अब यहां पर ये जो माइनस, ये देखना, यहां पर ये जो माइनस एफ टी जो आ रहा है ना, इसका दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, देखो, जैसे यहां पर माइनस एफ टी आ रहा है, तो मैंने ट्राई किया कि यहां पर भी माइनस एफ टी आए। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं कि ए में एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रखा और थोड़ा बहुत कैश रखा। कितना कैश रखा? जितना मेरे को देना है। मेरे को कितना देना है? मान लो मैं बोलता हूं कि मैं तुमसे 3 महीना बाद, 6 महीना बाद, 1 साल बाद 200 में खरीदूंगा। तो मान लो 1 साल बाद 200 में खरीदूंगा, तो उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू मैं कैश रख दूंगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा पता है? पोर्टफोलियो ए में खाली एस टी बचेगा। अगर मैं यहां पर कैश रख, मैं लोन नहीं बोल रहा हूं, मैं कैश बोल रहा हूं, अगर मैं कैश रख दूंगा तो ये माइनस एफ टी और प्लस एफ टी कट के क्या होगा? अल्टीमेटली एस टी आएगा। समझ रहे? तो फिर मेरे को यहां पर ना लोन रखने का दरकार नहीं पड़ेगा। सिंस देखो, यहां पर माइनस था, बोल के मैंने यहां पर लोन रखा है। समझ रहे? अगर मैं यहां पर,
या तो पोर्टफोलियो बी में लोन रखूंगा या फिर ए में उसका उल्टा करूंगा। उल्टा मतलब क्या, वहां पर कैश रख दूंगा तो भी तो बैलेंस हो जाएगा ना। तो ये जो कॉस्ट है, तो ये जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट जो स्पॉट में लग रहा है और जो फॉरवर्ड में नहीं लग रहा है, तो या तो फॉरवर्ड में नहीं लग रहा तो लगा दो। लगाएंगे कैसे, कुछ माइनस कुछ लोन रख दो वहां पर, जितना का स्पॉट में लग रहा है ना उतना का फॉरवर्ड में लोन रख दो। और या फिर अगर तुम्हारा स्पॉट में लग रहा है जो कि फॉरवर्ड में नहीं लग रहा है, तो स्पॉट में कुछ प्लस कर दो ताकि वो बैलेंस हो जाए। प्लस कैसे करेगा, हल्का फुल्का कैश रख के। प्लस कैसे करेगा, कैश रख के। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? कोई भी सम बना देगा अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। लेट एस टी बी द स्पॉट प्राइस ऑफ 1 ounce ऑफ गोल्ड एट टाइम टी एंड आर बी दी कंटिन्यूअसली, अच्छा एक मैं भूल गया सॉरी, सपोज दैट देर इज अ फिक्स्ड स्टोरेज कॉस्ट ऑफ सी पर आउंस पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड सी इज द सेम एंड सी इज द सेम फॉर एनी टाइम पीरियड लेस दैन 1 year। बोलने का मतलब क्या है, पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड सी इज द सेम फॉर एनी टाइम पीरियड, सी इज द सेम फॉर एनी टाइम पीरियड लेस देन 1 year। आप 6 महीने के लिए रख लिए, आप 2 महीने के लिए रख लिए, आप 2 दिन के लिए रख लीजिए, आपका कितना लगेगा, सी पर आउंस, सी पर आउंस इज द कॉस्ट। ठीक है, ओके। तो एस टी बी द स्पॉट प्राइस डिराइव द एंड आर बी द कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। ओके, सो डिराइव द फॉरवर्ड प्राइस एट टाइम टी ऑन 1 ounce ऑफ गोल्ड विथ मेच्योरिटी एट टाइम टी वेट टी इज लेस देन 1। ओके, चलो। मैंने पता है कंफ्यूज होने का कोई बात ही नहीं है, कंफ्यूज होने का आपसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में कोई बात ही नहीं है। देखिए, मैंने जो कोई भी क्लास नहीं किया ना वो भी आज का क्लास कर सकता है। देखो, नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में चल रहे हैं। ओके, तो देखना, बोलता है सी पर आउंस। अगेन मैं टाइमलाइन बना दे रहा हूं, this is small t, this is capital T, this is small t, this is capital T, C per ounce का मेरा खर्चा है। तो एक बनाएंगे पोर्टफोलियो A, जिसमें मैं क्या रख रहा हूं, फॉरवर्ड F प्लस। एक बनाएंगे पोर्टफोलियो A जिसमें मैं क्या रख रहा हूं, फॉरवर्ड। अब देखो एक अलग तरीके से तुम लोगों को करके दिखाऊं क्या, यहां पर दाम क्या होगा पता है, F small t दाम होगा, यहां पर दाम होगा एफ स्मॉल टी, मैंने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, लेकिन फुलफिल कब करेंगे, यहीं पर करेंगे। मैंने ये प्राइस जो है ये है यहीं का, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब, मैंने जब फुलफिल करेंगे वो तो कैपिटल टी भी करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिए तो उसका उस टाइम का दाम क्या होगा, एफ स्मॉल टी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं इसमें, सिंस मेरे को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है तो पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा देना पड़ेगा तो मैं इसमें कुछ कैश रख देता हूं, मैं इसमें कुछ कैश रख देता हूं। मैं कैश कितना रखूंगा, देखो आई एम कीपिंग, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 1 forward contract एंड कैश, लोन नहीं बोल रहा हूं, कैश एंड कैश ऑफ एफ टी ई टू द पावर माइनस एंड कैश ऑफ एफ टी ई टू द, अच्छा यहां पर क्या बोला था, स्मॉल आर बोला था ना, स्मॉल आर, हाँ, एफ टी ई टू द पावर माइनस आर टी माइनस टी, एफ टी ई टू दी पावर माइनस आर टी माइनस टी। तो मैंने कैश रख दिया। ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूं, इसका मैच्योरिटी पे वैल्यू क्या होगा, इसका मैच्योरिटी पे वैल्यू होगा जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उससे, तो क्या आएगा, गोल्ड का दाम चल रहा है एस टी माइनस एफ टी, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस एफ टी, एस टी माइनस एफ टी, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस एफ टी। ठीक है, और कितना आएगा एस टी, सबको प्लीज आप लोग मेरे से बात करिए वरना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। आप लोग प्लीज बताइए, आप लोगों को ये चीज क्लियर हुआ कि मैंने क्यों कैश रखा, मैंने यहां पर कैश रख दिया, तो ये कैश कितना मैच्योर हो जाएगा, ये ग्रो करेगा कैश। अब आप लोग ये सोच रहे हैं सर ये जो कैश रखे हैं ये कहां से आए, वो नहीं सोचना है कि ये कैश कहां से आया, ये कैश आ गया, मैं तो बस खाली पोर्टफोलियो बना रहा हूं, मैंने तो बस करी दो ऐसा पोर्टफोलियो बनाया अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अच्छा यहां पर समझ में आया, अब देखो यहां पर, अच्छा और आज इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो ए, तो पोर्टफोलियो ए का वैल्यू क्या होगा? पोर्टफोलियो ए का वैल्यू होगा, देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का तो वैल्यू जीरो होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का तो आज वैल्यू जीरो होगा, प्लस एफ टी ई टू द पावर माइनस आर टी माइनस टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, बिकॉज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय मतलब कुछ नहीं बाय कुछ नहीं सेल, तो उसका तो वैल्यू जीरो होगा। एंड दिस इज क्या, दिस इज क्या, जो कैश जो रखे हैं उसका, कैश जो रखे हैं वो ये उसका है, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं पोर्टफोलियो बी में, अब आ जाते हैं पोर्टफोलियो बी में, अब आ जाते हैं पोर्टफोलियो बी में। अब देखो फॉरवर्ड बाई किए तो कोई वो आउंस गोल्ड कॉस्ट का तो कोई झमेला है ही नहीं, स्पॉट में क्या करते हैं, एक स्पॉट एक माने जो एक आउंस स्पॉट बाई कर लेते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, एस टी, 1 आउंस ऑफ गोल्ड स्पॉट रख दिया, 1 आउंस ऑफ गोल्ड स्पॉट रख दिया, तो उसका दाम क्या हो जाएगा, एस टी, ठीक है। अच्छा अब पोर्टफोलियो बी में सिंस गोल्ड है तो यहां पर तो मेरा क्या लगेगा, स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, बोलो ना। हाँ पोर्टफोलियो बी में सिंस ये गोल्ड है, तुम लोग बस के लिए कमेंट बॉक्स में बताओ येस और नो, मेरा खर्चा पोर्टफोलियो ए में लगेगा कि पोर्टफोलियो बी में लगेगा, खर्चा जो है मेरा पोर्टफोलियो ए में लगेगा कि पोर्टफोलियो बी में लगेगा, ये बता देना प्लस, जल्दी जल्दी बताओ। आज सब ढीले ढाले हैं, मेरा खर्चा पोर्टफोलियो बी में लगेगा, मेरा जो खर्चा है वो पोर्टफोलियो बी में लगेगा, ठीक है। कितने का खर्चा लगेगा, माइनस सी, खर्चा कितने का लगेगा, सी का, एंड ऑफ द पीरियड में, जो कि पोर्टफोलियो ए में नहीं लग रहा है, मतलब बी में कुछ ऐसा खर्चा लगेगा एंड में जो कि पोर्टफोलियो ए में नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ कैश रख देंगे, तो प्लस सी ई टू द पावर माइनस आर टी माइनस टी। ये मैंने क्यों रखा है, इसके पीछे का लॉजिक है, देखो अब ये ग्रो करेगा, जब एंड ऑफ द पीरियड आएगा तो ये ग्रो करके कितना हो जाएगा, सी, एंड उसी समय बैंक वाला आके बोलेगा गोल्ड रखे हैं, बोला हाँ रखे हैं, तो बोलेगा लाइए लाइए, रखने का खर्चा लाइए, बोलेंगे कितना, बोलेगा सी, तो मेरे पास सी होगा, मैं उसको सी दे दूंगा, मैं उसको सी दे दूंगा, तो इसका ये तो आज का वैल्यू हो गया, ये तो आज का वैल्यू हो गया, एंड मेच्योरिटी का वैल्यू इसका भी देखो क्या हो जाएगा, एस टी, क्योंकि प्लस सी होगा और माइनस सी खर्चा का लग जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा, एस टी। तो देखो दोनों का मैंने फिर से बराबर कर दिया, अरे भाई पोर्टफोलियो ऐसा ही बनाना है ताकि दोनों बराबर हो जाए, मैं आप लोगों को एक ही चीज बार 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 समझाने का ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, अभी मैं फॉरवर्ड फ्यूचर लेके करा रहा हूँ, कैश लेके करा रहा हूँ, शेयर लेके, फिर ऑप्शंस आ जाएंगे, समझना पड़ेगा ना इस चीज को, एंड दिस इज व्हाट इन प्रैक्टिकल लाइफ यू नीड टू कंस्ट्रक्ट पोर्टफोलियोज, ठीक है। ओके तो एस टी, अब दोनों का वैल्यूज को बराबर करो, तो एफ टी ई टू द पावर माइनस आर टी माइनस टी इज इक्वल टू एस टी प्लस सी ई टू द पावर माइनस आर टी माइनस टी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके बताना क्या आ रहा है आंसर, अब इसको सॉल्व करके बताना क्या आ रहा है आंसर, इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। देखो एफ टी इज इक्वल टू एस टी ई टू द पावर आर टी माइनस टी, एस टी ई टू द पावर आर टी माइनस टी प्लस सी, ये आंसर आ रहा है मेरा, तो सबका यही आया है क्या आंसर, सबका यही आया है क्या आंसर,
आगे चले क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24. 24 24 देखो, ये क्वेश्चन तो जो कर दिया ना, उसको मतलब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पूरा क्लियर हो गया है. 24 आओ, अज्यूम दैट देर इज नो आर्बिट्राज इन द मार्केट. अज्यूम दैट देर इज नो आर्बिट्राज इन द मार्केट. अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल ऑन अ फिजिकल एसेट. द कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द एसेट आर एक्स परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू. मतलब एसेट को कंटिन्यूअसली मैनेज करेगा, उसका कॉस्ट आर एक्स परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू. एंड इट प्रोवाइड्स एन इनकम स्ट्रीम ऑफ वाई पर टन. एंड इट प्रोवाइड्स एन इनकम स्ट्रीम ऑफ वाई पर टन पेबल एट सिक्स मंथली इंटरवल्स. अभी तुरंत एक पेमेंट हुआ है. लेट एस टी बी द स्पॉट प्राइस ऑफ वन टन ऑफ द एसेट एट टाइम टी. एंड लेट आर बी द कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विच इज अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट. ठीक है. डिराइव द करेंट प्राइस ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिटन ऑन वन टन ऑफ द एसेट विथ मेच्योरिटी टी ईयर्स वेयर सिक्स मंथ्स. माने जो बेसिकली टी का जो वैल्यू है वो छह महीना से लेके एक साल के बीच में रहेगा. ये करने का इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि ये जो है ना इनकम स्ट्रीम वो अपने कंसिडरेशन में ले. छह महीना बाद एक इनकम स्ट्रीम आएगा ना. अगर छह महीना से कम होता तो इनकम स्ट्रीम को कंसिडरेशन में लेते ही नहीं. लेकिन अब हम लोग इनकम स्ट्रीम को कंसिडरेशन में लेंगे. तो दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, आइए हम लोग उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से एनालाइज करेंगे. बोलता है वन टन ऑफ द एसेट का फॉरवर्ड प्राइस निकालने बोला है. वन टन ऑफ द एसेट का फॉरवर्ड प्राइस निकालने बोला हम लोग को. ठीक है, वन टन ऑफ द एसेट का हम लोग को फॉरवर्ड प्राइस निकालने बोला है. बोलता है कि एक्स परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू कंटिन्यूअसली लगेगा मैनेजिंग द एसेट में. तो ये वो खर्चा है जो स्पॉट में तो लगेगा लेकिन फॉरवर्ड में नहीं लगेगा. ठीक है, और बोलता है वाई पर टन. वाई पर टन का इनकम आएगा आफ्टर सिक्स मंथ्स. ये वो इनकम है जो स्पॉट में तो मिलेगा लेकिन फॉरवर्ड में नहीं मिलेगा. माने छह महीना के बाद में जितना भी टन ऑफ एसेट रहेगा फिजिकल, उसमें एक एक टन पे वाई का इनकम आएगा. ठीक है, अब एक बात बताना. पहले कुछ प्री रिक्वेस्ट डिस्कस कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. ये जो x परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू बोला है इसका मतलब क्या है? देखो, माने किस तरीके से इसको डील करेंगे. आज जो है, मैं पहले बात करता हूं पोर्टफोलियो बी का, या फिर इसी को पोर्टफोलियो ए मान लेते हैं. पोर्टफोलियो ए का बात करते हैं. तो मान लेते हैं मेरे पास e टू द पावर एक्स टी टन्स ऑफ, अच्छा इसको हम लोग खड़े हैं टाइम जीरो पे. अब हम लोग टाइम जीरो पे खड़े हैं. ये है टी और यहां पर आएगा कहीं पर छह महीना और यहां पर आएगा कहीं पर एक साल. ठीक है, ओके. तो हम लोग को बेसिकली जो भी सब करना है वो यहां से लेके यहां तक का करना है. ठीक है, सो ई टू द पावर एक्स टी टन्स ऑफ एसेट में अगर आज खरीदता हूं, ई टू द पावर एक्स टी टन्स ऑफ एसेट में आज अगर खरीदता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैं टन्स ऑफ एसेट खरीद रहा हूं, इसी से धीरे धीरे करके एसेट को बेचूंगा. देयर विल बी अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द टन्स ऑफ एसेट. व्हाई? बिकॉज आई नीड टू पे दिस मैनेजमेंट फीस. बिकॉज आई नीड टू पे दिस मैनेजमेंट फीस ऑफ एक्स परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू विच इज पेबल कंटिन्यूअसली. देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये लाइन लिखा हुआ है दैट x परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द एसेट आर x परसेंट. तो क्या करेंगे पता है? क्या करेंगे पता है?
जैसे मान लो कभी भी खर्चा देना होगा ना, तो थोड़ा सा एसेट बेचेंगे उससे वो कॉस्ट पे करेंगे। तो ग्रेजुअल रिडक्शन या फिर द रेट बाय विच द एसेट क्वांटिटी इज गोइंग टू रिड्यूस इज एक्स परसेंट कंटिन्यूअस, इज एक्स परसेंट कंटिन्यूअस। जैसे डिविडेंड्स कंटिन्यूअसली मिलता है, री इन्वेस्ट होता है शेयर्स खरीदने में, वैसे यहां पर क्या होगा, थोड़ा 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 करके एसेट को बेचेंगे एंड बेच के जो मैनेजमेंट फीस है वो पे करेंगे बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस। तो ई टू द पावर एक्स टी टर्न्स ऑफ एसेट अगर आज है मेरे पास में, तो मैच्योरिटी में कितना एसेट होगा पता है, ई टू द पावर एक्स टी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स टी, बिकॉज दिस इज द रेट। ये वो फैक्टर है जिससे मेरा क्वांटिटी ऑफ एसेट कम होगा धीरे धीरे करके। तो अल्टीमेटली मेच्योरिटी में मेरे पास बचेगा 1 टन ऑफ एसेट। अगर मेरे को मेच्योरिटी में 1 टन ऑफ एसेट चाहिए तो आज मेरे को कितना टन ऑफ एसेट रखना पड़ेगा, ई टू द पावर एक्स टी टन ऑफ एसेट। समझ में आ रहा है, जनरली ग्रोथ रेट पड़ा, ये डिक्रीजिंग का रेट है, तो आज ज्यादा रखेंगे तब जाके वहां पर 1 मिलेगा। तो एक ये फैक्टर हो गया, ठीक है, कि मेच्योरिटी पे 1 टन ऑफ एसेट चाहिए तो आज मैं ई टू द पावर एक्स टी टन ऑफ एसेट रख रहा हूं, ठीक है। 6 महीने बाद में कितना टन ऑफ एसेट होगा, 6 मंथ। आज मेरे पास में ई टू द पावर एक्स टी टन ऑफ एसेट है। हाँ, एक मिनट फिर से बता रहा हूं, आज मेरे पास में ई टू द पावर एक्स टी टन ऑफ एसेट है, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें अभी ई टू द पावर एक्स टी टन है, तो 1 साल में कितना रिडक्शन होगा पता है, ई टू द पावर माइनस एक्स का। 1 साल में कितना रिडक्शन होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स का। 2 साल में कितने का रिडक्शन होगा, ई टू द पावर माइनस 2x का। 3 साल में कितने का रिडक्शन होगा, ई टू द पावर माइनस 3x का। 4 साल में ई टू द पावर माइनस 4x का। तो आधे साल में कितने का रिडक्शन होगा, ई टू द पावर माइनस 1/2x का। अब करके देखो, ई टू द पावर एक्स टी माइनस 1/2x, अब बताओ कितना आ रहा है, इट इज कमिंग टू ई टू द पावर एक्स टी माइनस 1/2, ई टू द पावर एक्स टी माइनस 1/2 टन ऑफ एसेट। इट इज कमिंग टू ई टू द पावर एक्स टी माइनस 1/2 टन ऑफ एसेट। हाँ मृगांक, वी आर चेकिंग एट 6 मंथ्स, यस, एंड नॉट एट T/2। T तो कितना मेरे को पता ही नहीं है, T/2 से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को टाइम 6 मंथ्स पे चेक करना, मैं यहां पर चेक करूंगा ना। और ये निकाल क्यों रहे हैं, ये निकाल क्यों रहे हैं 6 मंथ्स वाला, इसके पीछे का रीजन है, जैसे करेंटली आई एम हैविंग ई टू द पावर एक्स टी टन ऑफ एसेट। तो अब जैसे कोई भी चीज जब ग्रो करेगा, अगर मान लो एक्स परसेंट इज द ग्रो कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड ग्रोथ रेट, तो क्या होगा, ई टू द पावर एक्स, फिर ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर 3x। अब यहां पर क्या हो रहा है, उसी रेट से रिड्यूस हो रहा है, तो अगर उस रेट से रिड्यूस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस 2x, ई टू द पावर माइनस 3x। तो ये 1 साल का हो गया, ये 2 साल का हो गया, ये 3 साल का हो गया, ठीक है। तो अभी मेरे को कितने साल का चाहिए, आधे साल का रिडक्शन चाहिए। तो ई टू द पावर माइनस 1/2x विल बी द रिडक्शन इन द टन्स ऑफ एसेट, बिकॉज मैंने धीरे धीरे करके एसेट बेचा है, मैंने धीरे धीरे करके एसेट बेचा है, ठीक है, एंड एसेट बेच के मैंने वो पैसा दिया है, ठीक है। तो इट विल बी ई टू द पावर एक्स टी माइनस 1/2x, सो दिस इज ई टू द पावर एक्स टी माइनस 1/2। आई गेस मैंने पहले भी यही लिखा होगा, ई टू द पावर एक्स टी माइनस 1/2। सो दिस इज द टन्स ऑफ एसेट दैट आई एम हैविंग आफ्टर 6 मंथ्स। सो दिस इज द टन्स ऑफ एसेट दैट आई एम हैविंग आफ्टर 6 मंथ्स। अब इनकम स्ट्रीम कितना है, इनकम स्ट्रीम कितना है, इनकम स्ट्रीम इज वाई पर टन, इनकम स्ट्रीम इज वाई पर टन। तो 6 मंथ्स में कितना इनकम मिलेगा, 6 मंथ्स का इनकम कितना मिलेगा देखना, ई टू द पावर एक्स माइनस 1/2 टी, सॉरी सॉरी सॉरी, ई टू द पावर, इट विल बी ई टू द पावर एक्स टी माइनस 1/2, इट विल बी ई टू द पावर एक्स टी माइनस 1/2 इंटू वाई, इंटू वाई। ये मेरा 6 महीने का इनकम है जो मेरे को, और ये वो इनकम है जो मेरे को, ये वो इनकम है जो मेरे को
स्पॉट बाय में मिलेगा, स्पॉट बाय में मिलेगा बट फॉरवर्ड बाय में नहीं मिलेगा, फॉरवर्ड बाय में नहीं मिलेगा। ये वो इनकम है जो मेरे को स्पॉट बाय में मिलेगा और मेरे को फॉरवर्ड बाय में नहीं मिलेगा, ठीक है। सो सिक्स मंथ इनकम इज y e टू द पावर x t माइनस हाफ, ओके। सो यहां तक क्लियर है? आई एम रिपीटिंग इट अगेन। सबसे पहले हम लोग देखें तो हम लोग को वन टन ऑफ एसेट के लिए इन्होंने बोला है, वन टन ऑफ एसेट के लिए इन्होंने बोला है कि आप लोग एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का दाम निकालिए। मैनेजमेंट फीस इज एक्स परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू। वैल्यू किसका? जो उस समय उसका दाम चल रहा होगा, जो भी उस समय लाइक वो एसेट का दाम चल रहा होगा, एक्स परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू एंड इट विल बी पेड कंटिन्यूअसली, इट इज कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड। सो वी आर गोइंग टू परचेज मोर ऑफ द एसेट टूडे, उसको धीरे धीरे करके बेच के हम लोग वो एक्स परसेंट वाला जो फीस है उसको पे करने वाले हैं। सो अगर मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करूं, सो आज मैंने कितना बाय किया? ई टू द पावर एक्स टी टन्स ऑफ एसेट। अगर मैं बात करूं रिडक्शन का, तो ई टू द पावर एक्स टी में जैसे मान लो व्हाट इज द रेट ऑफ रिडक्शन, इट इज एक्स परसेंट, द रेट ऑफ रिडक्शन इज एक्स परसेंट। तो एक साल के बाद में क्या हो जाएगा? ई टू द पावर माइनस एक्स। दो साल के बाद में ई टू द पावर माइनस टू एक्स। जो भी आज जितना भी करंट टर्न्स ऑफ एसेट है उससे दिस विल बी द रिडक्शन। तो छह महीने का मेरे को चाहिए तो ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स। छह महीने का मेरे को चाहिए तो ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स। सो मैंने खरीदा कितना था? ई टू द पावर एक्स टी माइनस हाफ एक्स। सो दिस इज ई टू द पावर एक्स टी माइनस हाफ, ई टू द पावर एक्स टी माइनस हाफ, ठीक है। तो x बाहर है, e टू द पावर x इंटू ब्रैकेट के अंदर में t माइनस हाफ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो अब अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले पोर्टफोलियो ए बनाते हैं। सो पोर्टफोलियो ए सबसे पहले बनाएंगे। पोर्टफोलियो ए में e टू द पावर एक्स टी टन्स ऑफ एसेट, पोर्टफोलियो ए में e टू द पावर एक्स टी टन्स ऑफ एसेट, ताकि मेरे को मैच्योरिटी में कितना मिले? वन टन ऑफ एसेट। ताकि मेरे को मैच्योरिटी में कितना मिले? वन टन ऑफ एसेट। e टू द पावर एक्स टी टन्स ऑफ एसेट, ताकि मेरे को मैच्योरिटी में कितना मिले? वन टन ऑफ एसेट। उसके बाद में पोर्टफोलियो ए में अगर हम लोग देखें, मेरे को एक इनकम स्ट्रीम मिल रहा है, मेरे को एक इनकम स्ट्रीम मिल रहा है, तो वो इनकम स्ट्रीम का मैंने वैल्यू निकाला, जो कि मेरे को कितना महीना बाद मिलेगा? छह महीना बाद। छह महीना बाद मेरे को एक इनकम स्ट्रीम मिलेगा। छह महीना बाद का इनकम इज व्हाट? वाई ई टू द पावर एक्स टी माइनस हाफ, दिस विल बी द इनकम। ये वो है जो मेरे को फॉरवर्ड में नहीं मिलेगा, ये वो है जो मेरे को फॉरवर्ड में नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा? आई विल कीप अ लोन, आई विल कीप अ लोन, आई विल कीप अ लोन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम। आई विल कीप अ लोन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? वाई वाई ई टू द पावर एक्स टी माइनस हाफ, वाई ई टू द पावर एक्स टी माइनस हाफ। अब इसको डिस्काउंट भी तो करना पड़ेगा ना, छह महीना। अब इसको छह महीना हम लोग को डिस्काउंट भी करना पड़ेगा, तो इसको छह महीना डिस्काउंट करिए। छह महीना डिस्काउंट रेट कितना दिया हुआ है हम लोग को? स्मॉल आर। इसको डिस्काउंट करिए, ई टू द पावर माइनस आर बाय टू। तो इतना का मैं लोन रख रहा हूं। सबसे पहले ई टू द पावर एक्स टी टन्स ऑफ एसेट रखा, अब मैं इतने का लोन रख रहा हूं। इतने का लोन रखने का कारण क्या है? इतने का लोन रखने का कारण क्या है? इतने का लोन इसीलिए रख रहा हूं कि जब मेरे को इनकम मिलेगा, जैसे कि आफ्टर सिक्स मंथ्स आई विल बी लेफ्ट विथ
ई टू द पावर एक्स टी माइनस हाफ टन्स ऑफ एसेट, आई विल बी लेफ्ट विथ ई टू द पावर एक्स टी माइनस हाफ टन्स ऑफ एसेट। तो इससे जो मेरे को इनकम मिलेगा और जो लोन का समय जो वैल्यू होगा वो इनकम से मैं लोन चुका दूंगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो फॉरवर्ड में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक लोन रख दिया। अगर आपको कोई भी इनकम दिखता है तो एक लोन रख दीजिए, और अगर कहीं पैसा आने वाला दिखता है, अगर पैसा आने वाला दिखता है तो लोन रख दीजिए, और अगर लोन दिखता है तो आप उसमें कैश रखेंगे, ठीक है। सो ई टू द पावर एक्स टी माइनस हाफ, तो मैंने लोन रखा। ओके, अब एक बार देखते हैं पोर्टफोलियो बी में क्या क्या होगा। पोर्टफोलियो बी में मैं क्या करूंगा, पोर्टफोलियो बी में मैं क्या करूंगा, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि होगा एफ प्लस, तो एफ जीरो प्लस मैंने किया है बिकॉज टाइम जीरो का बात हो रहा है। एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि होगा एफ जीरो प्लस, ठीक है, एंड एक कैश अमाउंट रखना है मेरे को, एक कैश अमाउंट रखना है जिसका वैल्यू आएगा एफ जीरो ई टू द पावर माइनस आर टी। एक कैश अमाउंट रखना है मेरे को एफ जीरो ई टू द पावर माइनस आर टी, ठीक है। एक कैश अमाउंट रखूंगा एफ जीरो ई टू द पावर माइनस आर टी। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे ए का वैल्यू एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तो मैच्योरिटी में मेरे पास वन टन ऑफ एसेट रहेगा जिसका दाम रहेगा एस टी। मेरे पास वन टन ऑफ एसेट रहेगा जिसका दाम रहेगा एस टी, एंड ये वाला जो पूरा चीज है ये वाला सेट ऑफ होके हो जाएगा जीरो, बिकॉज छह महीने में मेरा जो लोन रहेगा उसी को मैं रीपे कर दूंगा जो इनकम आएगा उससे। छह महीने में मेरा जो लोन रहेगा उसी को मैं रीपे कर दूंगा जो मेरा इनकम आएगा उससे, ठीक है। और यहां पर देखो तो एस टी माइनस एफ जीरो ये होगा तुम्हारा फॉरवर्ड का, अगर यहाँ का मैच्योरिटी का बात करें तो एस टी माइनस एफ जीरो प्लस एफ जीरो, तो अल्टीमेटली क्या आएगा एस टी एस टी। तो दोनों का मैंने वैल्यू को सेम किया मैच्योरिटी में, मतलब दोनों का प्रेजेंट वैल्यू भी सेम होगा, पी वी सेम। अब दोनों को इक्वेट करके फॉरवर्ड का प्राइस निकालिए फटाफट, अब दोनों को इक्वेट करके फॉरवर्ड का प्राइस निकालिए, फिर हम लोग नोट्स लिखेंगे। अब दोनों को इक्वेट करके फॉरवर्ड का प्राइस निकालिए, करो इक्वेट करो करो इक्वेट करो। पोर्टफोलियो बी का तो क्या होगा, एफ जीरो ई टू द पावर माइनस आर टी इज इक्वल टू एफ जीरो ई टू द पावर माइनस आर टी इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा बताना, ए का वैल्यू क्या होगा, आज का दाम होगा एस जीरो ई टू द पावर एक्स टी। एस जीरो ई टू द पावर एक्स टी एक लोन रखा है, एक लोन रखा है वाई ई टू द पावर एक्स टी माइनस हाफ, एक लोन रखा है वाई ई टू द पावर एक्स टी माइनस हाफ, वाई ई टू द पावर एक्स टी माइनस हाफ ई टू द पावर माइनस आर बाय टू, ई टू द पावर माइनस आर बाय टू। सिंस लोन है इसलिए माइनस कर रहा हूँ। अब सॉल्व करिए, सॉल्व करिए तो एफ जीरो का दाम आ गया, बस खाली ई टू द पावर आर टी बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना है। तो एस जीरो ई टू द पावर एक्स प्लस आर टी, एक्स प्लस आर टी माइनस माइनस वाई माइनस आर माइनस वाई ई टू द पावर एक्स टी प्लस आर टी माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ आर, एक्स टी प्लस आर टी माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ आर, ठीक है। सो इसका फाइनल आंसर चेक करिए क्या आ रहा है, सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है।
जो सेकेंड वाला जो पार्ट है एस जीरो ई टू द पावर एक्स प्लस आर टी माइनस वाई ई टू द पावर टी एक्स प्लस आर माइनस हाफ एक्स प्लस आर. सो अगेन वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट. माइनस वाई ई टू द पावर एक्स प्लस आर गेट्स कॉमन, विल गेट टी माइनस हाफ, विल गेट टी माइनस हाफ. ओके, सो एस जीरो ई टू द पावर एक्स प्लस आर टी. सो एस जीरो ई टू द पावर एक्स प्लस आर टी माइनस वाई ई टू द पावर एक्स प्लस आर टी माइनस हाफ. सो कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा दोनों से, ई टू द पावर एक्स प्लस आर ई टू द पावर एक्स प्लस आर इंटू टी. अंदर में क्या बचेगा, एस जीरो माइनस वाई ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स प्लस आर. ये सबका आर है येस और नो. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एफ जीरो. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एफ जीरो. देख लो एक बार इसको. यहां तक सबका आएगा. Now write down notes. Notes लिखना. सबसे पहले notes में note number वन लिखना. To pay the management charges. To pay the management charges. To pay the management charges. We can sell, to pay the management charges, we can sell x dt tons of asset, x dt tons of asset during each short time interval. We can sell x dt tons of asset during each short time interval of t to t plus dt. To pay the management charges, we can sell x dt tons of the asset during each short time interval of t to t plus dt. Full stop. Full stop. This will steadily, this will steadily reduce the number of tons of the asset. This will steadily reduce the number of tons of the asset. This will steadily reduce the number of tons of the asset held. This will steadily reduce the number of tons of the asset held at a rate x, at a rate x percent, at a rate x percent, so that by time t, capital T, so that by time capital T, so that by time capital T, we will have
वी विल हैव ई टू द पावर एक्स टी इन टू ई टू द पावर माइनस एक्स टी विच इज इक्वल टू वन टन ऑफ द एसेट, वन टन ऑफ द एसेट. दिस विल स्टेडिली reduce the number of tons of the asset held at the rate x percent so that by time capital T we will have e to the power xt into e to the power minus xt which is equal to 1 ton of the asset. ठीक है, अब next लिखना note number 2. Next लिखना note number 2. नोट नंबर टू, इन सिक्स मंथ टाइम, इन सिक्स मंथ टाइम द कैश ओवरड्राफ्ट, द कैश ओवरड्राफ्ट, इन सिक्स मंथ टाइम द कैश ओवरड्राफ्ट will have accumulated, the cash overdraft will have accumulated, the cash overdraft will have accumulated to a value of kitna tha e to the power x t minus half. We'll have accumulated to a value of इतना तो हम लोगों ने रखा था. अब इसको accumulated to a value of क्या हो जाएगा, इतना, because e to the power r by 2 से accumulate होगा. The cash overdraft will have accumulated to a value of minus y e to the power x t minus half r plus half r. So ultimately कितना आएगा? It will have accumulated to a value of minus y e to the power x t minus half. It will have accumulated to a value of इतना. At this time, portfolio A, जैसे देखो यहां पर मैंने A में सारा बड़ा वाला सब चीज किया है और B में तो खाली forward रखा है और वो cash रखा है. At this time, portfolio A will contain, at this time, portfolio A will contain e to the power xt into e to the power minus half x. Now this is the reduction. This is the reduction. E to the power xt into e to the power minus half x tons of asset. Tons of asset. E to the power xt into e to the power minus half x tons of asset. So the income generated. So the income generated, so the income generated will be y into e to the power, y into e to the power x t minus half. So the income generated will be y into e to the power x t minus half. So the income generated will be, ये सब जितना भी मैं बात कर रहा हूं सब a का ही बात हो रहा है, like overdraft भी a में ही रखा था, ये पूरा a का ही बात चल रहा है. So the income generated will be y into e to the power x t minus half. These two cash payments,
दीज टू कैश पेमेंट्स विल एग्जैक्टली कैंसल आउट ईच अदर, विल एग्जैक्टली कैंसल आउट ईच अदर. दीज टू कैश पेमेंट्स विल एग्जैक्टली कैंसल आउट ईच अदर. सो फाइनली पोर्टफोलियो ए विल कंटेन 1 ton ऑफ एसेट एट टाइम कैपिटल टी. सो फाइनली पोर्टफोलियो ए विल कंटेन 1 ton ऑफ एसेट एट टाइम कैपिटल टी, जो कि पोर्टफोलियो बी में भी सेम ही है, जो कि पोर्टफोलियो बी में भी सेम ही है. तो अब बताओ यहां तक ये चीज समझ में आया कि नहीं आया ये लसम, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब अगर आप लोगों को ये सम आ गया, दैट मीन्स यू ऑल कैन डू एनी काइंड ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन विथ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स. सो इज इट क्लियर? करेंटली वी आर हैविंग 3 व्यूअर्स, सो आई एक्सपेक्ट यस. So this was the main part. This was the main part. If you can get this part, then I don't think so there is any kind of problem in the sum. This 6 month income was the main part. We have an income stream of Y per ton. So first of all, we need to calculate how many tons of asset are we having at time 6 months. So e to the power xt tons of the initial asset will have a reduction by a rate of x. So we need to multiply e to the power xt by e to the power minus half x. If the time period would have been 2 years, we would have multiplied e to the power xt into e to the power minus 2x. Okay. So we are getting e to the power xt minus e to the power half minus, sorry, we are getting e to the power xt into e to the power minus half x. What we were getting is here, we are getting e to the power xt minus half x, or e to the power xt into e to the power minus half x. Okay, so finally we were getting e to the power x t minus half tons of the asset. Okay, e to the power x t minus half tons of the asset. So the income stream will be y into e to the power x t minus half tons of the asset. And this will be the income stream that we are going to get at time 6 months. So we are again discounting it 6 months. So e to the power minus half into r. Okay. So this is the loan because we are getting an income. Agar aisa bolta ki dena hoga, to fir main kya karta? Cash rakh deta. Theek hai? Agar A mein loan rakha hai, तो सेम ही चीज क्या कर सकते हैं पता है, बी में कैश रख दो तो भी आंसर नहीं चेंज होगा, तो भी आंसर नहीं चेंज होगा. ठीक है, तो आज हम लोग यही 3 सम करेंगे, आज हम लोग यही 3 सम करेंगे. एंड देन टुमारो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू वॉच द लेक्चर्स विच आई हैव टोल्ड इन द ग्रुप. अगेन आई विल टेल आफ्टर द क्लास टू वॉच द लेक्चर्स सो दैट वी कैन डू मोर सम्स टुमारो. थैंक यू ऑल ऑफ यू.